हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम स्टूडेंट्स। इट्स योर इंग्लिश सिक्स्थ चैप्टर वीडियो, दैट्स नेम इज़ डैडी लॉन्ग लेग्स। ठीक है, ये एक फादर को एक डॉटर है जो उसकी अनाथ आश्रम से लाई गई एक लड़की है जो उसे अपना डैडी मानती है, जो उसका ट्रस्टी है। ठीक है, उसको उसका फंड जो शो करता है, उसकी एजुकेशन का जो खर्च उठाता है उसे। ओके, तो वो उसको लेटर लिख के अपनी सारी स्टडी की, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देती है। लेट्स स्टार्ट। विच फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग वुड बी प्रेफर, वुड यू प्रेफर कन्वेंशनल हैंड रिटन और इलेक्ट्रॉनिक मेल? आपको लेटर लिखने का कौन सा फॉर्मेट पसंद है? हमारा जो पारंपरिक तरीका है जैसे हाथ से लेटर लिखना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको पसंद है? रीड दिस एक्सर्प विच डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ यंग ऑर्फन गर्ल व्हेन शी वाज स्टडिंग इन अ कॉलेज। इस एक यहाँ दिए गए इस लेटर को पढ़ते हैं जिसके अंदर एक युवा अनाथ लड़की की कहानी की जीवन के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। व्हेन शी वाज स्टडिंग इन अ कॉलेज, जब वो एक कॉलेज में पढ़ती थी। द एंटायर स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द लेटर्स दैट द गर्ल राइट्स टू हर बेनिफैक्टर। ये पूरी कहानी एक लेटर के थ्रू, लेटर्स के थ्रू बताई गई है जो एक जो वो लड़की अपने शुभचिंतक को लिखती है। वन ऑफ द ऑर्फनेज ट्रस्टीज, एक अनाथ आश्रम के ट्रस्टी को, हु इज़ फंडिंग हर कॉलेज एजुकेशन, जो उसकी कॉलेज एजुकेशन का खर्च वहन करता है। वेडनेसडे को वो फर्स्ट लेटर लिखती है। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, आई हैव चेंज्ड माई नेम, मैंने मेरा नाम बदल दिया है। आई एम स्टिल जेरुसा इन द कॉलेज बट आई एम जूडी एवरीवेयर एल्स, मेरा नाम कॉलेज में तो जेरुसा है लेकिन बाकी सब जगह क्या हूँ मैं, सिर्फ जूडी। आई विश मिसेज लेप्ट वुड यूज़ अ लिटल मोर इनगैनिटी अबाउट चूजिंग बेबीज नेम्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिसेज लिप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ही कुछ आविष्कारक या फिर चालाक हैं बच्चों के नाम चूज़ करने में, यानी उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है बच्चों के नाम चूज़ करने में। शी गेट्स द लास्ट नेम्स आउट ऑफ द टेलीफोन बुक, वो क्या करती हैं टेलीफोन बुक के अंदर से जो लास्ट नेम होता है, आखिरी का जो नाम होता है ना, सर नेम जो होता है, वही प्रेफर करती हैं, वही पसंद करती हैं। यू विल फाइंड अबाउट ऑन फ्रॉम ऑन द फर्स्ट पेज, आपने फर्स्ट पेज पर देखा होगा कि मेरा सिर्फ नाम क्या लिखा था, अबाउट लिखा था उन्होंने। एंड शी पिक्स दीज क्रिश्चन नेम्स फ्रॉम एनी वेयर, शी गोट जेरुसा फ्रॉम अ टॉम स्टोन, उन्होंने क्या किया है क्रिश्चन नेम्स लिए हैं एनी वेयर, हर जगह से वो क्रिश्चन नेम्स पिक करती हैं। शी गोट, जो मेरा जेरुसा नाम है वो भी उन्होंने कहाँ से लिया था, टॉम स्टोन से लिया था, यानी एक समाधि शिला से लिया था। आई हैव ऑलवेज हेटेड इट, मुझे हमेशा से इससे क्या थी नफरत थी, यानी मैं इस नाम को पसंद नहीं करती। बट आई रैदर लाइक जूडी, लेकिन मुझे जूडी नाम पसंद है। इन द फ्यूचर प्लीज़ ऑलवेज एड्रेस मी एज जूडी, आगे भविष्य में आप हमेशा मुझे जूडी कहकर ही बुलाना। फिर क्या होता है वहाँ पे कॉलेज में डिनर बेल बजती है और वो गुड बाय बोल देती है लेटर में। ठीक है, फिर वो फ्राइडे को नेक्स्ट लेटर फिर से लिखती है। व्हाट डू यू थिंक डैडी, आप क्या सोचती हो डैडी, द इंग्लिश इंस्ट्रक्टर सेड दैट माई लास्ट पेपर शोज़ एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ ओरिजिनैलिटी, मेरे जो इंग्लिश के परीक्षक थे उनका उन्होंने ये कहा है कि मेरा लास्ट पेपर क्या दिखाता है, बहुत ही असामान्य असलियत को शो करता है। ठीक है, असामान्य है मेरा इंग्लिश का जो लास्ट पेपर था, वो बिल्कुल भी अच्छा सही नहीं था। इट डजंट सीम पॉसिबल, ये ऐसा संभव तो नहीं लगता। डज इट, क्या ऐसा हो सकता है, कंसिडरिंग द 18 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग दैट आई हैव हैड, 18 साल की ट्रेनिंग को देखते हुए जो कि मैंने ली है। The aim of the John Grier Home is to turn that the 97 orphans into 97 twins. जो John Grier Home का एक लक्ष्य था कि उनका जो 97 अनाथ आश्रम का जो घर है वो 97 twins में बदल गया है, यानी 97 twins मतलब 97 के जुड़वा हो चुके हैं। ठीक है, डबल हो चुके हैं। यू नो डैडी, इट इज़न्ट द वर्क दैट इज़ गोइंग टू बी हार्ड इन कॉलेज, ऐसा जो काम था वो कॉलेज में क्या था, इज़न्ट द हार्ड दैट, इतना हार्ड नहीं है जितना कि कॉलेज में होता था। इट इज़ द प्ले, ये खेल है। हाफ द टाइम आई डू नॉट नो वट द गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट, आधे समय तो मुझे ये भी नहीं पता लगता कि लड़कियाँ क्या बात कर रही हैं। देयर जोक्स सीम टू रिलेट टू अ पास दैट एवरी वन बट मी हैज़ शेयर्ड, देयर जोक्स, उनके जो जोक्स होते हैं वो पास्ट से जुड़े हुए लगते हैं। एवरी वन बट मी हैज़ शेयर्ड, जो वो सबके साथ और मेरे साथ शेयर करती हैं। आई एम अ फॉरनर इन देयर वर्ल्ड, मैं उनके इस
संसार में, इस वर्ल्ड में फॉरनर हूँ, एक विदेशी हूँ, इट इज़ अ मिजरेबल फीलिंग। ये एक बहुत ही दयनीय भावना है। Nobody here knows that I was brought up in a slum. कोई भी यहाँ पे नहीं जानता कि मैं कहाँ से लाई गई हूँ, एक शरण स्थल से या एक पागलखाने से लाई गई हूँ। I told Shelley Emsbridge that my mother and father were dead. मैंने Shelley Emsbridge को बताया था कि मेरे मदर और फादर मर चुके हैं। And that a kind old gentleman was sending me to college, which is entirely true. फिर एक बहुत ही दयालु और बड़े जेंटलमैन ने मुझे एक कॉलेज में भेजा, जो एक सबसे बड़ा सच है मेरी ज़िंदगी का। इफ़ आई कैन टर्न माई बैक ऑन दैट एंड शट आउट द, अगर मैं वापस अपने उस भूतकाल में लौटती हूँ, शट आउट द मेमरीज़, मैंने उन सब मेमरीज़ को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। आई थिंक आई माइट बी जस्ट एज नॉर्मल एज एनी अदर गर्ल, मैं सोचती हूँ कि मैं उतनी नॉर्मल हो सकती हूँ जितनी की दूसरी लड़कियां होती हैं। आई डोंट बिलीव देयर इज़ एनी रियल डिफरेंस अंडरनीथ, मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में, हमारे बीच कोई ऐसा रियल डिफरेंस है, यानी मैं भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हूँ। डू यू, क्या आपको लगता है? एनी वे शेल एम्सीब्रिज लाइक्स मी, शेल एम्सीब्रिज जो है वो मुझे पसंद करती हैं। योर्स एवर जूडी एबर्ट नी जेरुशा, ठीक है, वो अपने उस डैडी को लेटर लिखती रहती है इस तरीके से, वो अपनी कॉलेज लाइफ, वहाँ उसे कौन पसंद करता है, किस तरह के लोग हैं उसके आसपास, वो बताती है। फिर वो 25th अक्टूबर को एक लेटर लिखती है। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, आई एम इन द बास्केट टीम, मैं बास्केटबॉल टीम में हूँ, एंड यू ओट टू सी द ब्रश ऑन माई लेफ्ट शोल्डर, और आपको देखना चाहिए कि मेरे लेफ्ट शोल्डर पर क्या लगी है, खेलते टाइम चोट लगी है। कॉलेज गेट्स नाइसर एंड नाइसर, कॉलेज क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है मुझे। आई लाइक द गर्ल्स एंड द टीचर्स एंड द क्लासेज एंड द कैंपस एंड द थिंग्स टू ईट, मुझे यहाँ की मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ, टीचर्स, क्लासेज, कैंपस और खाने की चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। यू ओनली वॉन्टेड टू हीयर फ्रॉम मी वंस अ माउथ, डिडेंट यू, आप मेरे मुँह से एक बार बस यही बात सुनना चाहते थे क्या, आप ऐसा नहीं चाहते थे? एंड आई हैव बीन पेपरिंग यू विद लेटर्स एवरी फ्यू डेज़, और मैं आपको, आपसे कुछ थोड़े थोड़े दिनों में लेटर के थ्रू सरोबार करती रहती हूँ, यानी कि मैं आपसे लेटर के थ्रू बातचीत करती रहती हूँ। बट आई हैव बीन सो एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज न्यू एडवेंचरस दैट आई मस्ट टॉक टू समबडी, लेकिन मुझे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में होने वाले इन नए एडवेंचरस के बारे में किसी एक समबडी से, किसी एक से, किसी से बात कर सकूँ इस बारे में। एंड यू आर द ओनली वन आई नो, और मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ आप ही हैं। आई प्रोमिस नॉट टू राइट अनदर टिल द मिडल ऑफ नवम्बर, मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा अब नवम्बर, हाफ नवंबर से पहले नहीं लिखूंगी। योर मोस्ट लोकैलिस्टली जूडी एबट, ठीक है, तो वो इस बार कहती है कि वो हाफ नवंबर तक ही आगे का लेटर लिख पाएगी। अब वो 15th नवंबर को नेक्स्ट लेटर लिखती है। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, यू हैव नेवर हियर्ड अबाउट माई क्लोथ्स, आपने तो मेरे क्लोथ्स के बारे में सुना ही नहीं। हैव यू, क्या आपने सुना है डैडी? 6 ड्रेसेस हैं मेरे पास, ऑल न्यू एंड ब्यूटीफुल एंड बॉट फॉर मी, सारी नई हैं और बहुत सुंदर हैं, जो सिर्फ मेरे लिए खरीदी गई हैं। नॉट हैंडेड डाउन फ्रॉम समबडी बिगर, किसी बड़े के द्वारा मुझे दी नहीं गई हैं, मतलब मुझे किसी ने दी नहीं है दया के रूप में, बल्कि मेरे लिए खरीदी गई हैं। परहैप्स यू डोंट रियलाइज वॉट अ क्लाइमैक्स दैट मार्क्स इन द कैरियर ऑफ एन ऑर्फन, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, आपने महसूस नहीं किया कि कितना बड़ा क्लाइमैक्स, कितना बड़ा चरम बिंदु एक मेरे कैरियर में, एक अनाथ बच्ची के कैरियर में आया है। यू गैव दैम टू मी, ये सब मुझे आपने दिया है, एंड आई एम वेरी 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 मच ओब्लाइज्ड, और मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इट्स अ फाइन थिंग टू बी एजुकेटेड, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे एजुकेट किया जा रहा है, बट नथिंग कम्पेयर टू दी डिजलिंग एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग 6 न्यू ड्रेसेज, लेकिन इसका कंपेरिजन किसके साथ नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा चक्कर दिलाने वाली बात है कि मेरे पास न्यू 6 ड्रेसेज हैं, और एजुकेशन और इस चीज़ में कोई भी कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। मिस बिट्जार्ड हु इज़ ऑन दी विजिटिंग कमेटी, मिस बिट्जार्ड हैं जो कि विजिटिंग कमेटी से रिलेटेड हैं, पिक्ड देम आउट, वो उन्हें बाहर ले जाती हैं। आई हैव एन इवनिंग ड्रेस, मेरे पास एक इवनिंग ड्रेस है, पिंक सिल्क की है जो, एंड अ ब्लू चर्च ड्रेस है, एंड ए डिनर ड्रेस और रेड एंड ओरिएंटल ट्रिमिंग, ठीक है, मेरे पास एक
पहले से मतलब सजावट की हुई कुछ एक ड्रेस है रेड कलर की जो मैं डिनर के टाइम पहनती हूँ, एंड अनदर रोज कलर एंड अ ग्रे स्ट्रीट सूट एंड एन एवरीडे ड्रेस फॉर क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के लिए हर रोज़ पहनने वाली एक ड्रेस है। आई सपोज यू आर थिंकिंग नाउ हाउ फ्रिवलस एंड शैलो शी इज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कितनी मूर्ख और कितनी ओछी बातें कर रही हूँ। एंड वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी टू एजुकेट अ गर्ल, और इस तरह की लड़की को मैं एजुकेट करके पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। बट डैडी, इफ़ यू वुड बीन ड्रेस्ड इन चेक्ड गिंगहैम्स हाउ योर लाइफ, यू वुड अप्रिशिएट हाउ आई फील। अगर आप क्या करोगे, उन ड्रेसेस को चेक करोगे जो चार खाने वाले सूती कपड़े के डिज़ाइन की ऑल योर लाइफ अपनी सारी ज़िंदगी में पहनती है, यू वुड अप्रिशिएट हाउ आई फील। तो आप मेरी प्रशंसा करोगे कि मैं कैसे महसूस कर पा रही हूँ इन नई ड्रेसेस के साथ में। ओके, सो चैप्टर, थैंक्स एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।